स्टेपलेस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा प्रेग्नेंट है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अभीरा अरमान और उनके बच्चे की परफेक्ट फैमिली हमें देखने को मिलेगी। ये तस्वीर ऑलरेडी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर और फैंस काफी इमोशनल फील कर रहे हैं स्पेसिफिकली अभीरा के लिए जो प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी ये खुशी वो शेयर नहीं कर सकती है क्योंकि उसे लगता है कि जैसे ही अरमान को पता चलेगा कि उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है, अरमान उसी को चूज करेगा ना कि बच्चे को। और अभीरा अरमान को उसकी खुद की रियल फैमिली देना चाहती है जो कभी भी अरमान की इंटेंशंस पर सवाल ना उठाए। लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि कैसे अभीरा के ऊपर कई सवाल उठाए गए और अरमान ने इन हर सवाल का जवाब बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिया और अपने पूरे परिवार को चुप करवा दिया। इसी के लिए फैंस ने अरमान की तारीफ भी की। एक यूजर ने कहा, अरमान माय बॉय यस, ड्रैग दीज सेल्फिश थैंकलेस अनग्रेटफुल पुडार्स, दे हैव जस्ट यूज्ड अभीरास काइंडनेस टिल नाउ फॉर देयर ओन बेनिफिट। एक और यूजर ने कहा, अरमान मौसम खराब हो, तबीयत खराब हो, किस्मत खराब हो, हर चीज का ब्लेम अभीरा पर डाल देते हैं। आज अरमान ने जो सिक्सर मारा है सब शॉक्ड है, अभीरा का अरमान इज बैक। वही हम आपको बता दें, अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कैसे अभीरा परिवार वालों के प्यार के लिए तड़प रही है और इसीलिए वो विद्या की बनाई हुई खीर जो उन्होंने रूही के लिए बनाई होती है उसकी बची हुई खीर वो खा लेती है। और यहाँ पर भी अभीरा को बोला जाता है कि वो रूही और उसके बच्चे का हक छीनने की कोशिश कर रही है जो काफी ज्यादा चीप है। एक यूजर ने कहा, कोई इतना लो माइंडेड कैसे हो सकता है, खीर खाने से कौन सा हक छीन लिया अभीरा ने, अप फ्रॉम माता श्रीज मर्डरर। एक और यूजर ने कहा, तुमने रूही और उसके बच्चे का हक क्यों छीना, जस्ट बिकॉज शी एट लेफ्ट ओवर खीर लमाओ, दिस कैन नॉट बी रियल, हु इज राइटिंग दिस। वही अरमान अभीरा की हैप्पी फैमिली वाली इमेज पर एक यूजर ने कहा, माइट जस्ट हैव शेडेड अ फ्यू टीयर्स। एक और यूजर ने कहा, नो आई एम नॉट क्राइंग, आई कैन रिलेट टू द जॉय ऑफ हैविंग अ बेबी आफ्टर सच अ स्ट्रगल, दिस इज सच अ प्रेशियस फ्रेम।